ऑल जीरो ऑयल किचन में आज आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे जीरो ऑयल दाल और मटर मशरूम थाली। सबसे पहले हम बनाएंगे दाल, जिसमें इंग्रेडिएंट्स रहेंगे हरी मिर्च, टमाटर, जीरा, नमक, धुली हुई दाल, हींग, हल्दी, हरा धनिया, लाल मिर्च और प्याज। पहले हम एक सॉस पैन में हमारी एक कप धुली हुई दाल को डालेंगे। अब हम उसमें हमारी ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और अब हम इसे 10 मिनट तक बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम बनाएंगे दाल तड़का, जिसमें हम एक कढ़ाई में थोड़ा जीरा डालेंगे और उसे भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज और उसे हम जीरे के साथ भूनेंगे। इसमें हम जरूरत अनुसार पानी डालेंगे, जिससे हमारा मसाला जले ना। और हम डालेंगे एक कटा हुआ टमाटर और इस पूरे मिश्रण को हम अच्छे से भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और एक चुटकी हींग। इस पूरे मिश्रण को हम अच्छे से भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे एक कटी हुई हरी मिर्च और इस पूरे मिश्रण को अच्छे से भूनने देंगे। अब इसमें हम अपनी डालेंगे उबली हुई दाल और इस दाल को हम 5-6 मिनट तक पकने देंगे। इसमें हम हरा धनिया डालेंगे ऊपर से सजावट के लिए। ये लीजिए, हमारी दाल बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे मटर मशरूम की सब्जी, जिसमें हम लेंगे मटर, मशरूम, लाल मिर्च पाउडर, प्याज, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च, नमक और जीरा। एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और उसे भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे एक बड़ा कटा हुआ प्याज और ज़रूरत अनुसार पानी, जिससे हमारी प्याज जले ना। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, एक कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे हमारा एक कप मशरूम और आधा कप मटर। इस पूरी सब्जी को हम 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। ये लीजिए, हमारी मटर मशरूम की सब्जी बनकर तैयार है। अब हम अपनी जीरो ऑयल थाली को तैयार करेंगे। अपनी मटर मशरूम की सब्जी, दाल, चावल, रोटी और सलाद के साथ। ये लीजिए, हमारी जीरो ऑयल दाल और मटर मशरूम की थाली बनकर तैयार है।